स्टूडेंट्स लेट्स वेट फॉर अदर्स, बाकियों को ज्वाइन करने दो, थोड़ा टाइम वेट करते हैं, ठीक है? 4 to 5 minutes, देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, द सर्मन्स एट बिनियर्स, ओके? दिस इज आवर चैप्टर. ओके मैम, डू यू हैव बुक्स विद यू? यस मैम. यस ओके. तरनजोत, गुरवीन, पल्लक, अभिजीत, बेटा अपनी वीडियो ऑन कर लो. ओके मैम. करण ज्योत, गुरवीन बेटा ऑन योर वीडियो कैमरा. तरनजोत बेटा अभी अपनी वीडियो ऑन करो प्लीज. तरनजोत सिंह, ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर नेम इज द सर्मन एट बिनियर्स. बैनर. पहले बेटा मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी. इफ यू हैव एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इट इन द लेटर. एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल क्लियर आवर डाउट्स, वी विल क्लियर आवर क्वेरीज. क्लियर? ओके मैम. यस मैम. बेटा मेरी आवाज आपको ऑडिबल है ना, समझ आ रहा है? यस मैम. ओके ओके बेटा, आज चैप्टर इज द सर्मन एट बिनियर्स. सर्मन का मतलब होता है बेटा रिलीजियस लेक्चर. जसप्रीत अपने बेटा वीडियो ऑन करो. जैस्मीन, ओके. द चैप्टर इज द सर्मन. सर्मन का मतलब होता है रिलीजियस लेक्चर, ठीक है? रिलीजियस लेक्चर को क्या बोलते हैं हम? सर्मन. और बनियर्स क्या है बेटा? बनारस का नाम, ओल्ड नेम ऑफ बनारस. बनारस आपको पता ही होगा है ना, एक सिटी है, सिटी का नाम है. उसका ओल्ड नेम था नेम्स, ठीक है? हम एक सर्मन की बात करेंगे. दिस स्टोरी इज अबाउट अ मॉरल लेसन दैट गौतम बुद्ध गेव टू अ ब्रेव स्टिकन वुमन. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे. उन्होंने क्या किया था, एक वुमन को जो बहुत ज्यादा दुखी थी, उस वुमन को एक लेसन सिखाया था. वो लेसन क्या था, दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. क्लियर? यस मैम. वॉज वेरी सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव थे, है ना? सेंसिटिव का मतलब कि हमें जो इस वर्ल्ड में कुछ सफरिंग्स होती हैं, है ना, कोई पेन होती है, दुख होता है, सभी इंसान किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, है ना? किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को स्टडी में प्रॉब्लम है, वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स, है ना? सभी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट बेटा, सफरिंग्स का मतलब समझते हो ना? सफरिंग्स का मतलब हम सभी की जो सभी को किसी किसी चीज से कोई पेन है, कोई दुख है ना, उसको हम सफरिंग्स बोलते हैं. एट अ वेरी यंग एज ही गेव अप ऑल द वर्ल्डली प्लेजर टू सीक एनलाइटनमेंट. उन्होंने क्या किया, बहुत जब वो छोटे थे गौतम बुद्ध, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुखे बहुत सारे दुख तकलीफ देखी, ठीक है? और क्या हुआ कि उन्होंने फिर क्या सोचा कि जो ये वर्ल्डली चीज़ें हैं, घर परिवार, जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, इनको छोड़कर मैं कहीं और चला जाऊं, वेयर आई कैन गॉट माई इनलाइटनमेंट, कि कहाँ जहाँ पे जाके मुझे इनलाइटनमेंट मिल जाए, ठीक है? कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए, मैं गॉड के साथ अटैच हो जाऊँ, ताकि सफरिंग की वजह से मुझे कोई भी पेन किसी की भी फील ना हो. क्लियर? यहाँ तक समय सबको समझ आया? Yes. Next, Evita. Once a
अ वुमन नेम्ड किसा गौतमी, ठीक है, एक लेडी थी बेटा जिसका नाम क्या था, किसा गौतमी। ये एक नेक्स्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, फर्स्ट कौन था, गौतम बुद्ध, सेकंड कौन है, यस बेटा क्या नाम था उसका, किसी गौतम, किसी गौतम मैम, क्या गौतमी, किसा गौतमी नाम है बेटा उसका। उसका क्या हुआ, दैट हर सन वाज डाइड, ठीक है, उसके सन की डेथ हो जाती है किसा गौतमी के, एंड शी वांटेड बुद्ध टू गिव हर सन सम मेडिसिन। ओके, वो क्या चाहती है कि मेरे सन को कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिसकी वजह से मेरा बेटा जो है जिसकी डेथ हो चुकी वो ठीक हो जाए, ठीक है। और वो क्या करती है, शी वेंट टू गौतम बुद्ध, ओके, किसके पास जाती है, गौतम बुद्ध के पास जाती है, एंड ही एडवाइज्ड हर टू गो एंड कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। वो क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के पास चली गई, तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि आप ऐसे करो, डोर टू डोर जाओ, ठीक है, और कलेक्ट करके लेके आओ सीड्स, किसी के भी घर से सीड्स लेके आओ, ठीक है, आपने क्या करना है कि एक घर से दूसरे घर जाना है और एक मुट्ठी भर के एक सीड्स लेके आने हैं, मस्टर्ड सीड्स लेके आने हैं, और आपको वो सीड्स घर से लेके आने हैं जिसके घर में कोई डेथ ना हुई हो, ठीक है। उसकी ये क्या होती है, एक सॉर्ट ऑफ वो क्या कहता है कि आपको क्या करना है, कुछ सीड्स लेके आने हैं, लेकिन वहां से लेके आने हैं वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, वेयर नो वन हैड डाइड, जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई, किसी के फ्रेंड, किसी के ब्रदर की, भाई की, हस्बैंड की, पेरेंट की। क्या बेटा रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, आपके आसपास आपका खुद का घर कहीं कोई ऐसा घर है जिसमें किसी की डेथ हुई हो, यस बेटा, यस और नो, स्पीक अप बेटा, आंसर मी, अभिजीत, जैस्मीन, जसप्रीत, पलक, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स बट नो वन इज रिस्पॉन्सिंग। क्या कोई ऐसा घर होता है कभी भी जिसके घर में कभी किसी की डेथ ना हुई हो, आंसर मी बेटा, अभिजीत, पलक, करण जो, मैम नो, हमारे सभी के घर में किसी के ग्रैंडफादर की, किसी के ग्रैंडमदर की, किसी के दोस्त की, भाई की, बहन की, है ना, कहीं तो कभी तो किसी की डेथ हुई होती है ना, ठीक है। तो क्या करती है, yes, ma'am. गौतमी होती है, वो डोर टू डोर जाती है सभी के घर में जाके, कभी किसका दरवाजा खटखटाती है, कभी किसका दरवाजा खटखटाती है कि मुझे थोड़े से सीड्स दे दो, फिर क्या पूछती है, सीड्स से पहले वो क्या पूछती है कि कहीं किसी की डेथ तो नहीं हुई है ना, लेकिन कोई भी उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता, शी वॉज अनेबल, उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता फ्रॉम वेयर शी कैन कलेक्ट मस्टर्ड सीड्स, शी इज नॉट एबल, ठीक है, उसे कोई भी नहीं मिलता वहां पे। देन when Kissa Gautami could not get such a house, she understood that secret of life and death, the very meaning of Buddha's words. मतलब देखो, अब गौतम बुद्ध क्या चाहते थे, उसका सन तो ठीक नहीं हो सकता था, क्या बेटा आपको लगता है कि ऐसा इंसान जिसकी कभी डेथ हो चुकी हुआ, क्या वो कभी ठीक हो सकता है, डू यू थिंक, नो मैम, कभी ठीक नहीं, नो मैम, ठीक है, नो मैम, हाँ, वो गौतम बुद्ध क्या चाहते थे, उसे एक सबक सिखाना चाहते थे, ही वांटेड टू लर्न हर लेसन, उसे लेसन सिखाना चाहते थे कि जो डेथ है, डेथ एक सच्चाई है, हमारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा घर नहीं जिसमें डेथ ना हुई हो, डेथ और बर्थ दोनों चीजें किसी के साथ अटैच हुई है, अगर किसी का जन्म हुआ तो उसने उसकी डेथ भी होनी है, ठीक है। ये जो लेसन था वो गौतम बुद्ध किसा गौतम को सिखाना चाहते थे, अगर वो समझाने लग जाते ऐसे ही तो वो ना समझती, है ना बेटा, ना समझती ना, यस मैम, हेलो मैम, आपकी कट कट के आवाज आ रही है, हेलो आ रही है बेटा मेरी आवाज, हेलो मैम, हेलो मैम, कट कट कर आ रही है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बेटा, नेटवर्क, हेलो मैम, वेट करो आएगी आवाज, आ रही है बेटा आवाज सभी को, अभी आने लग गई मैम, यस मैम, ठीक है बेटा, कहाँ तक
समझा दिया था मैंने आपको, वो उनको क्या लेसन समझाना चाहते थे कि जो डेथ होती है और बर्थ होती है, अगर किसी का बर्थ हो गया तो ये श्योर है दैट ही हैज टू डाई समडे, ही शी हैज टू डाई समडे। अगर किसी लड़की का जन्म हो गया तो उसने एक दिन उसकी डेथ होनी है, अगर किसी लड़के का जन्म हो गया तो उसका भी एक दिन होनी है। क्लियर मैम? वो क्या करती है में, वो किस्सा जो किस्सा गौतमी होती है, वो गौतम बुद्ध से मेडिसिन लेने आई होती है कि मैं कि मुझे ऐसा कोई मेडिसिन दे दो जिसकी वजह से मेरे सन की जो लाइफ है वो वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन क्या कभी आपको लगता है कि ऐसी मेडिसिन बनी है कोई? नो मैम। ठीक है, यही लेसन वो सिखाना चाहती है। ठीक है, वो क्या करती है, ईसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पोक्स टू द बुद्धा। द बुद्धा हैड आस्क्ड हर टू ब्रिंग सम मास्टर सीड्स फ्रॉम अ हाउसहोल्ड व्हिच हैड नेवर लॉस्ट एनी फैमिली मेंबर। शी वाज ऑफर्ड मस्टर्ड सीड बाय ऑलमोस्ट ऑल द हाउसहोल्ड्स। उसे क्या होता है, मस्टर्ड सीड्स तो सारे घर से मिल जाते हैं लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें किसी की डेथ ना हो। ठीक है, ऐसे ही वो क्या करती है, She sat down hopelessly watching the lights of the city. जब उसे कोई घर नहीं मिलता, एक शहर में आके सिटी की तरफ, सिटी में लाइट्स लगी होती हैं, लाइट्स को देखना आके शुरू कर देती है, ऐसे ही बैठ देती है और वो लाइट्स कभी जग जाती हैं, कभी बुझ जाती हैं, तो क्या बोलते हैं फ्लिकरिंग। ठीक है, कभी लाइट्स का जग जाना, कभी उनका फिर बंद हो जाना, ऐसे चलता रहता है। वो लाइट्स की तरफ देख रही है कंटिन्यूसली बैठी और she understood the fate of a man. वो क्या कहती कि इस इन lights को देख के मुझे एक इंसान की किस्मत, fate होती है बेटा किस्मत, कि किस्मत में बारे में समझ आ गया, उसकी जो सोच है वो बदल जाती है कि ऐसे ही human being की life है कि कभी happiness आती है, कभी happiness चली जाती है। वो lights को happiness और sadness के साथ क्या करते हैं, compare करती है कि लाइट कभी आती है कभी चली जाती है। वैसे ही वो क्या कहती है कि हाँ वैसे ही एक ह्यूमन बींग की लाइफ है कि हाँ ऐसा टाइम भी आ जाता है जब हम होते हैं, कई बार ऐसा टाइम भी आ जाता है जब हम दुखी होते हैं। क्लियर, इस चैप्टर का जो मेन मोटिव आपको समझ आ रहा है ना, इस चैप्टर में हमें क्या बताने जा रहे हैं राइटर? क्लियर बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्पीक अप बेटा। यस मैम, इसमें यही है कि लाइफ कभी सैड कभी हैप्पी होती रहती ही है। यस यस यस। तो बेटा सेल्फिशनेस क्या होती है, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ सेल्फिशनेस? खुदगर्गी मैम, खुदगर्गी, हमेशा अपने बेनिफिट के लिए अपने बारे में सोचना, अपने काम के लिए अपने ही लिए काम करना, उसे सेल्फिशनेस कहते हैं। ठीक है, यस मैम, खुदगर्जी नहीं करना चाहिए, हमें अपने से पहले दूसरों को रखना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, सेल्फिशनेस और सेल्फिश है इस चैप्टर में कौन है, आपको क्या लगता है कि सेल्फिश कौन है, अपने काम के लिए कौन किसी के पास गया, हु इज सेल्फिश इन दिस चैप्टर? मैम वो लड़की, हाँ, किस्सा गौतम सेल्फिश हो जाती है अपने बेटे के लिए, है ना? यस मैम, क्या बताया गया कि उसने अपना ही सन को, वो क्या चाहती है, मेडिसिन, इसका बेटा बेटा जिंदा हो जाएगा और मेडिसिन मिल जाएगा। यस मैम। ठीक है, दिस इज द चैप्टर, दिस इज द मेन समरी ऑफ द चैप्टर। बेटा मैंने आपको मेन चैप्टर की समरी समझाई है। ठीक है, और बेटा मैं आपको कुछ इसके कुछ क्वेश्चंस अलग से समझा रही हूँ। यस मैम। ओके, जो वो गौतम बुद्धा थे, ठीक है, जो गौतम बुद्धा ने क्या किया था, बेटा मैं अटेंडेंस लगा दूं, दो बच्चों ने और ऐड किया है। ओके बेटा, मैम मैंने भी कुछ समय पहले ही ऐड किया था मैम। ओके ओके बेटा, यस मैम।
अब बेटा क्या हुआ, जिस ट्री के नीचे बैठकर उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, किनको प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को, उस ट्री का क्या नाम था, बोधि ट्री। याद रखना, साथ में अपनी पेंसिल और नोटबुक लेके बैठो, जो जरूरी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो लिखो। वो कौन सा ट्री था? ओके मैम, बोधि ट्री मैम, बोधि ट्री। अब जब वो गौतम बुद्ध थे, जब उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गई थी, फिर वो क्या करते थे, दूसरों को जाके टीच करते थे। ऐसे ही उन्होंने क्या करते थे, रिलीजियस लेक्चर देते थे, रिलीजियस गल्ला, जो रिलीजियस बातें जो थी वो उनको किनको समझाते थे, लोगों को समझाते थे। जो इस चैप्टर का नेम है वो भी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, द सर्मन एट बनारस। उन्होंने बनारस में क्या किया था, सर्मन दिया था, रिलीजियस लेक्चर दिया था। अब बेटा जरूरी क्वेश्चन है, वेयर डिड द बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन, उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन कहां में दिया था, कहां पे दिया था, किस सिटी में, टेल मी, बनारस, बनारस में दिया था, वेयर बोलना है इसे, ठीक है, ठीक है मैम। नाउ बेटा इस चैप्टर के बेटा मैंने आपको एक समरी, शॉर्ट ऑफ समरी बता दी, ठीक है। जब हम इस जूम क्लास नेक्स्ट लेंगे उसमें मैं आपको आपकी बुक से पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू शुड ऑल हैव योर बुक्स, आप सभी के पास बुक्स होनी चाहिए जो आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी, ठीक है। बुक्स के साथ आपके हाथ में पेंसिल भी होनी चाहिए, ताकि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप मुझसे साथ ही साथ पूछ सको। ओके मैम, अब आप आगे देखो बेटा, अब आपने क्या करना है कि जो आपकी जो प्रीवियस क्लासेस लग रही थी, आपने 10th का सिलेबस उसमें भी कवर कर लिया ना? Yeah. जिन बच्चों के तो बेटा वो रजिस्टर जो थे, कुछ बच्चों के ने तो न्यू लगा लिए होंगे, है ना, न्यू लगाओगे। अगर इनके जिनके पहले वाले पेंटिंग पड़े हैं अभी पूरे फिल नहीं हुए, तो आप वो वाले यूज कर लेना। मैम हमने न्यू रजिस्टर ही लगवा लिया। हाँ ठीक है ठीक है, एज योर वेस्ट है, लेकिन जो पहले वाले रजिस्टर वो भी आपके पास होने चाहिए। ओके मैम, ओके मैम। बेटा आपकी आपकी क्वेश्चन आंसर्स भेजे जाएंगे ग्रुप में सुबह ही, नहीं कल, कल नहीं मंडे आएंगे, आई विल सेंड यू ऑन मंडे। ओके मैम, सो यू विल राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके मैम, तो मैम इससे ही मैम, हेलो, हेलो मैम, मैम बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज। मैम मैम अभी सी मैम 10th क्लास का जो हमारा वर्क है मैम, वो अभी सी स्टार्ट होगा ना इंग्लिश का? हाँ यस बेटा, आपने पहले भी किया है, 9th में भी आपको 10th का सिलेबस हुआ था। यस मैम, वो वाला तो किया मैम, जो हमने अभी न्यू 10th क्लास लिया है मैम, न्यू अभी करने लगे हैं, अभी हुए हैं जो, मतलब आपकी क्लास 10th जो न्यू है वो आज से उसका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का। ओके मैम, बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन सभी की कंप्लीट होनी चाहिए प्रॉपर वे में, फुल मेंटेन, ओके, मार्जिन लाइन होनी चाहिए, ठीक है, यू नो एवरीथिंग। यस मैम, क्लियर आपका टाइम रहता है, आपका लेक्चर पहले कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, क्या आपके कोई डाउट है, आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ, सोचो अगर डाउट है तो पूछो, आफ्टर दैट आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। ओके मैम, take your time and if you have any queries, any questions, then you can ask me. यस बेटा, है कोई डाउट किसी का? जसप्रीत, पलक, गुरवीर, अभिजीत, तरनजो, देर आर 9 students, 8 students इन द मीटिंग। कोई क्वेश्चन है किसी की, किसी भी चीज को लेके जो आपको नहीं समझ आ रहा हो? स्पीक अप बेटा।
ओके लिसन, आपकी बेटा जूम क्लास वीक में 2 times होगी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, फिर हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। जब आपकी नेक्स्ट जूम क्लास होगी उसमें आपको जो चैप्टर मैंने समझाऊंगी मैं आपको भेजा जाएगा, उसकी हम समरी डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस मैम। चलो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाई डिड गौतमी बिकेम होपलेस, व्हाई डिड गौतमी बिकेम होपलेस? यस, वो होपलेस क्यों हो गई थी? यस जसप्रीत, व्हाई वाज शी होपलेस, क्यों उसने उम्मीद छोड़ दी थी, ऐसा क्या हो गया था उसके साथ? टेल मी। बोलिए बेटा, व्हाट इज द रीजन? बेटा अनम्यूट करो अपने आप को, मुझे आंसर दो, जो किस्सा गौतमी थी वो अपसेट क्यों थी? व्हाट वाज द रीजन? टेल मी बच्चे। वो अपसेट इसीलिए हो गई थी क्योंकि उसके सन की, बिकॉज हर सन हैज डाइड एंड शी वांटेड टू टेक हेल्प फ्रॉम गौतम बुद्ध, शी वांटेड टू गिव हिम अ लाइफ, उसे लाइफ देना चाहती थी अपने बच्चों को, इसीलिए वो क्या थी, अपसेट थी। क्लियर? बेटा गिव मी रिस्पॉन्स, यस और नो, समझ आया? यस मैम। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके व्हाट डिड गौतमी लर्न अबाउट डेथ, वो डेथ के बारे में क्या सीख लेती है? कि मरना जीना सच है और जो हाँ डेथ इज कॉमन टू ऑल, वेरी गुड जसप्रीत, कि डेथ एक दिन सभी क्यों नहीं है, उसने इस मैसेज को समझ लिया था दैट डेथ इज कॉमन फॉर ऑल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस टू दोज हू सीक पीस, उन लोगों के साथ क्या हो जाता है जो जिनको अपने लाइफ में शांति मिल जाती है, पीस मिल जाता है? ये क्वेश्चन आपने अपने समझ से थोड़ा सोच के मुझे आंसर देना है। मैम दोबारा तो दस्ते मैम। कैसे बेटा? मैम दोबारा तो रिपीट करें क्वेश्चन। समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। मैम रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। ओके ओके। बेटा कुछ लोग जो होते हैं उनके लाइफ में ना कोई दुख नहीं होता, वो बहुत खुशी से रहते हैं, अगर दुख होता भी है वो फील नहीं करते, ठीक है? उन लोगों को पीस मिल जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन, व्हाट डिड दे डू? हम पीस की शांति, बेटा शांति। यस स्पीक अप। वो जो पर्सन होता है वो अपने दुख से ऊपर, अपने लेमेंटेशन से, अपनी कंप्लेंट्स से, अब जो उनको जो उसके लाइफ में दुख तकलीफ होता है वो उससे कंप्लेंट नहीं करता, वो उसके साथ ही जीता रहता है, अगर प्रॉब्लम्स आ भी गई तो सहता है, टॉलरेट करता है उन चीजों को। क्लियर? यस यस मैम, वो मैनेज करता है उन चीजों के साथ अपने आप को। हां ओके, व्हाट डिड, अब बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझो, ये मेरे समझाने वाला क्वेश्चन है। जो गौतम बुद्ध थे जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जब उन्होंने ये चीज समझ आई कि हाँ हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी सफरिंग्स है, जब उनको ये चीज समझ आ गई थी, ठीक है, तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या देखा जिसकी वजह से उनको लाइफ का मीनिंग समझ आ गया? जब बेटा उन्होंने घर छोड़ा अपना, गौतम बुद्ध ने, उन्होंने क्या देखा, जाते हुए रास्ते में एक सिख मैन देखा, एक बीमार आदमी, ठीक है, उसको देख के वो बहुत
उदास हो गए कि हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं, बस बीमार आदमी बीमार पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता. देन ही सॉ एज्ड मैन, फिर उन्होंने क्या देखा, एक एज्ड मैन देखा. ठीक है, फिर उसने उसने किसको देखा, ओल्ड मैन को. ओल्ड मैन को देख के फिर फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, किसी की डेथ हो गई है ना, उस चीज को देख रहे थे वो. एंड देन अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स. ठीक है, फिर उन्होंने एक भिक्षु को देखा. इन सब चीजों को देखने के बाद दीज थिंग्स अफेक्टेड हिम, इन चीजों से उनसे अफेक्ट हुआ. क्यों अफेक्ट हुआ होगा, आपको क्या लगता है? कैन यू गिव मी मैम? क्योंकि मैम उसने सोचा कि मेरा दुख तो कुछ नहीं है, लोगों को मुझसे भी ज्यादा बहुत ही मुश्किल दुख, तो ये चीज. हाँ बेटा, और किसी को इसका आंसर आ रहा हो? उन्होंने अच्छे से लाइफ को समझ लिया था कि हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है, सफरिंग्स हैं, पेन है, दुख है, और किसी के लाइफ में कुछ भी नहीं है. ठीक है, क्या हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं कोई पूछने वाला नहीं होता, देन एज हो जाते हैं, एज होने के बाद डेथ हो जानी है, लेकिन लाइफ का कोई मीनिंग नहीं. उनको ये चीज समझ आ गई थी कि हमारी लाइफ टोटली क्या है, मीनिंगलेस है, यूजलेस है. क्लियर? Yes. Now my last question is, what is the moral of this chapter? This chapter का moral क्या है? What does writer want to teach you? Writer आपको क्या समझाना चाहते हैं through this chapter? बेटा पढ़ के सारे ने मिल. सॉरी बेटा, समझ नहीं आई. कैन यू रिपीट इट अगेन? ज्यादा नहीं रहना चाहिए ना. यस बेटा, ओके बेटा, आपकी मीटिंग का जस्ट 10:03 जस्ट 10 मिनट्स आर लेफ्ट. तो आपने क्या करना है बेटा, सभी बच्चों ने अपना जो कैमरा है उसे ऑन रखना है और मुझे शो करना है जिस जिसने बुक्स ले ली. ऑनेस्टली किसी ने झूठ नहीं बोला, मैंने बेटा आपके नाम लिखने हैं. यस तरनजोत, शो मी योर बुक. यस तरनजोत, ऑनेस्टली बता दो बेटा, अगर नहीं खरीदी. मैम यस बैठती नहीं मैम. यस बेटा तरनजोत, हेलो तरनजोत, मैं लेती नहीं. ओके अभी अपने लिए. ओके अभिजीत, एक मिनट मैम करती हूँ. ओके पलक, पलक हैव यू बॉट योर बुक? मैम यस. शो मी. ओके अब जीत ने ले लिया, वेरी गुड. तरनजोत बेटा, आपने कब तक लोगे आप अपने बुक इंग्लिश की? गुरवीन, यस बेटा गुरवीन, सिमरन जी मैम है नहीं अभी. ओके जसप्रीत कौर, ओके गुड, जसप्रीत के पास भी है. सिमरनजीत, सिमरनजीत सिमरनजीत क्या बेटा आपने बुक ले ली? कल तक ले लेंगे मैम. ओके देखो बेटा, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, इफ यू हैव बुक्स ओनली देन यू आर एबल टू रीड. अगर बुक्स होंगी तो आपको अच्छे से आपको समझ भी आएगा, तभी आप पढ़ पाओगे. ठीक है, प्लीज जल्दी से अपनी बुक्स लो ताकि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है, और अपने साथ वालों को बोलो कि जल्द से जल्द मीटिंग अपनी जो भी है उसे अटेंड किया करें. क्लियर? ओके मैम. सभी को बताया करो बेटा कि क्लास लगनी है हमारी.
अब जो टाइम चल रहा है दिस इज द ओनली वे टू टेक योर क्लास, और भी हमारे पास ऑप्शन नहीं, यही ऑप्शन है ऑनलाइन क्लास लेके बहुत कुछ कर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करो। जितना चैप्टर मैंने आपको समझाया सभी को समझ आया? यस मैम। बस बेटा जल्दी से अपनी बुक्स खरीद लो, ठीक है, एंड बुक्स के बाद जो है नोटबुक्स अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है। और क्या हो रहा है, लिसन कैरफुली, टीचर्स डोर टू डोर आ रही है, ठीक है, आपकी नोटबुक्स की चेकिंग घर पे ही होगी, ठीक है। नोटबुक्स अपने साइड बाय साइड मेंटेन करते जाओ, टीचर्स के पेयर्स बन चुके हैं, वो आपके घर आएंगे, आपके नोटबुक्स चेक करके जाएंगे। सो गेट इट? ओके मैम। कोई डाउट हो, हमारे किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, क्लासेस लगाया करो अपना टाइमली, जो है व्हाट्सएप चेक करते रहो मैम। ओके मैम। हेलो मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो मैम, हाँ जी, यस बेटा जसप्रीत, यस मैम, वॉइस नहीं आ रही थी मुझे, ऐसा था कुछ समझा ना रहे हो आप। ओके ओके बेटा, देन वी विल लीव द मीटिंग, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग। ओके ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके